जैसा कि आप सभी किसान और व्यापारी भाइयों को पता है कि पिछले दो दिनों से रात के समय बारिश हो रही है और आगे भी चार दिन की बारिश गूगल वेदर की रिपोर्ट की ओर से बताई जा रही है, तो आपको दिखाते हैं कि बारिश का मंडी परिसर पर क्या असर पड़ता है और इस बारिश की वजह से किसान और आढ़ती भाइयों को कोई नुकसान ना हो, इसके लिए पहले से ही आढ़ती और किसान भाइयों को तैयारी करनी पड़ेगी। शुक्रवार के दिन सब्जी मंडी की छुट्टी होती है और कल रात बारिश हुई थी, जिसकी वजह से मंडी में जगह जगह पर कीचड़ हो जाता है और फुटपाथ की तरफ पानी इकट्ठा हो जाता है, जिसे किसान भाइयों को सब्जी रखने और उतारने में काफ़ी परेशानी होती है। दूसरी तरफ अनाज मंडी में भी काफ़ी मक्का आया हुआ है, जिसमें कुछ मक्का शेड के नीचे बोरियों में रखा गया है और कुछ मक्का खुले में सुखाया जा रहा था। जो मक्का खुले में सुखाया जा रहा था वो बारिश की वजह से भीग चुका है और इसे अभी इकट्ठा किया जा रहा है ताकि मौसम खुलने के बाद इसे फिर से सुखाया जा सके। मंडी परिसर की हमारी एक खास वीडियो है, उसे देखना ना भूलें, जिसमें हमने करनाल मंडी पहुंचने के विभिन्न रास्ते और मंडी के विभिन्न गेट्स के बारे में बताया है। इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि बारिश की वजह से मंडी परिसर पर क्या फ़र्क पड़ता है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।